5 तारीख को महाराष्ट्र में नए सरकार का शपथ ग्रहण समारोह है, लेकिन ये घोषणा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हुई है। क्या महायुति के बाकी दलों को भी इस प्रक्रिया में, इस फैसले में शामिल किया गया था या नहीं किया गया था, इस पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ संजय सिरसाट हैं, शिवसेना के एमएलए हैं। कल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कह दिया गया कि 5 तारीख को महाराष्ट्र में नई सरकार बन जाएगी, शपथ ग्रहण समारोह होगा, लेकिन महायुति के बाकी दल जो हैं वो उनकी तरफ से इस बारे में कोई भी क्लैरिटी नहीं आ रही। तो क्या आप लोगों को भी इस प्रक्रिया में शामिल किया गया था, आप लोगों से भी पूछा गया था कि 5 तारीख को शपथ ग्रहण करना है? देखिए, ये जो महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष ने जो घोषणा की है, शायद उनको ऊपर से सिग्नल दिया होगा कि आप 5 तारीख को शपथ लेने का प्रबंध करो, या तो 5 तारीख को शाम को 5 बजे लेना है। वजह एक है कि इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, उनका टाइम फिक्स हुआ होगा, इसलिए उन्होंने घोषणा किया। और ये मुझे लगता है कि इसकी जानकारी वरिष्ठ नेता जो एकनाथ शिंदे साहब है या तो अजीत दादा है, इनको भी होगी या तो उनको बताया गया होगा। बगैर बताए ये घोषणा वो कर भी नहीं सकते, तो इसलिए ये सबके राय लेके ही उन्होंने घोषणा की होगी, ऐसा हमें लगता है। विपक्ष कह रहा है कि दबाव बनाने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि सीएम साहब पिछले 3 दिनों से जाके सातारा में बैठे हैं, बातचीत नहीं हो पा रही है बीजेपी से। नहीं नहीं, ऐसे दबाव होगा कुछ नहीं है। हम तो चाह रहे थे कि जब शिंदे साहब, देवेंद्र फडणवीस साहब और अजीत दादा जब दिल्ली गए थे, अमित शाह साहब से जब बात हो गई थी, हमें तो उम्मीद थी कि दूसरे दिन ही किसी के नाम की घोषणा होने की संभावना थी, लेकिन उनके पार्टी अंदरूनी मामला होने की वजह से वो डिसीजन लेने में थोड़ा सा वक्त लग गया, और हमें कोई भी इसमें दिक्कत नहीं। शिंदे साहब ने खुद ही कहा है, मैं कोई स्पीड ब्रेकर बनना नहीं चाहता हूँ, आप जो भी डिसीजन लेंगे वो हमको एग्री है। जब सब तरफ से क्लियर हो गया, अजीत दादा ने उनकी साइड क्लियर कर दी, तो इसलिए हमको दिक्कत नहीं। दिक्कत उनको है कि अभी चयन कैसा करना, सभी अच्छे लोग हैं, किसका नाम लेना, ये सोचने का काम बड़े नेताओं का है, और उसके लिए ये जो टाइम लग रहा है उस वजह से लग रहा है। शिंदे साहब ने कहा था कि वो रोड़ा नहीं बनेंगे, लेकिन आप लोगों की तरफ से ये भी कहा गया कि ऐसा नहीं कि वो सीएम की रेस से पीछे हट गए, उन्होंने कहा कि आप किसी को भी बनाइए, उनको भी बना सकते हैं। लेकिन कल अजीत पवार ने कहा कि सीएम बीजेपी से होगा, ये तय हो गया है। वो क्या तय होया ये नहीं हुआ, इसकी घोषणा जब तक होती नहीं, जब तक कुछ भी बताया नहीं जा सकता कौन होगा नहीं होगा। जब अपने सब राइट्स जिसको कहते हैं अपन, अगर वरिष्ठ नेताओं को दिए तो उनके मुंह से ही वही बात अच्छी लगती है। मैं क्या कहूँगा, दूसरे क्या कह रहे, इसका कोई भी मतलब नहीं होता। नेताओं ने वो चयन करना है, उन्होंने घोषणा करना है, उसको हमने एग्री करना है, इतना ही हमारा काम बचा है। सरकार गठन जब होता है सर, आप विधायकों की लिस्ट देते हैं, राज्यपाल के पास जाते हैं, राज्यपाल आपको सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं, उसके बाद चीज़ें आगे बढ़ती हैं। लेकिन एकाएक हमने पहले देखा कि पहले शपथ की घोषणा हो गई है, बाकी आप लोगों ने राज्यपाल तक अप्रोच ही नहीं किया कि सरकार बनाना है, हमारे पास बहुमत है। नहीं, अभी तो देखो ये प्रोसीजर 4 तारीख तक हम कर सकते हैं, तो मुझे लगता है अभी बीजेपी ने उनके सब MLAs को बुलाया है, वहाँ गठबंधन का चयन होगा, और ये तीनों दलों की, शिवसेना, बीजेपी और राष्ट्रवादी की, तीनों दलों की ज्वाइंट एक यादी जो बहुमत की है वो राज्यपाल को सुपुर्द की जाएगी, उसके बाद राज्यपाल वो टाइमिंग देंगे। अब ये जो टाइमिंग है, शायद ही राज्यपाल से भी थोड़ा कंसर्न लेके उन्होंने घोषित किया होगा, ऐसा मुझे लगता है, नहीं तो ये घोषणा करने का अधिकार भी राज्यपाल का ही होता है। आप लोग कोई जानकारी नहीं है शिवसेना को कि राज्यपाल से कंसेंट लिया है कि नहीं, 5 तारीख को सब कुछ हो पाएगा कि नहीं? नहीं, 5 तारीख को होगा, अभी होगा, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने अनाउंस किया है, मुझे लगता है उनसे कंसेंट किया होगा, और उसको मान्यता भी शिंदे साहब ने भी दी होगी और अजीत दादा ने भी दी होगी। ऐसा कोई हिम्मत नहीं करेगा, बगैर पूछे कोई ऐसा इतना बड़ा बयान देने की हिम्मत कोई नहीं करता। उनको भी पार्टी की तरफ से बोला गया होगा जब ही उन्होंने ये घोषणा की है। शिंदे साहब क्या नाराज हैं? लगातार ये कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे नाराज हैं, इसलिए सतारा जाके बैठे हैं वो। नहीं नहीं, नाराज का नहीं है, शिंदे साहब ये दुविधा मनस्थिति में कभी रहते नहीं, वो जो भी करते खुलेआम करते हैं। आपने देखा होगा कल उनके पास डॉक्टर की टीम गई, उनको टेस्ट किया, 104-105 टेम्परेचर था उनका। आज वो दोपहर के बाद मुंबई आ रहे हैं, मुंबई आने के बाद मुझे लगता है आज ये तीनों बड़े नेताओं की बैठक भी होने जा रही है। ये बैठक के बाद जो किसको कितने मंत्री पद दिए जाएंगे, भाजपा को कितने, सेना के कितने, राष्ट्रवादी कितने, ये सब वो बंटवारा जो भी है मंत्री पद का जब होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं वो तीनों
बैठ के तय करेंगे और उसी तरीके से सरकार भी रन करेगी। आज महायुति की बैठक है, तीनों बड़े नेताओं की बैठक है आज, शायद मुझे लगता है आज होना चाहिए क्योंकि अभी वक्त कम है, आज और कल में ये सब बातें खत्म होना चाहिए। शपथ ग्रहण करते वक्त मुख्यमंत्री तो शपथ ग्रहण करेंगे, उसके साथ कौन कौन करने वाले हैं, कितने मंत्री रहेंगे, कैसी शपथ ग्रहण होगी, ये सब चीज़ों का जो जिसको बोलते हैं अपने को प्लान, ये तीनों नेताओं को बनाना है। शिंदे साहब आज मुंबई आ जाएंगे, आखिरी सवाल ये है कि गृह मंत्रालय को लेके, उप मुख्यमंत्री के पद के को लेकर चीज़ें साफ हो गई हैं क्या? अभी भी आप लोग गृह मंत्रालय को लेकर अड़े हुए हैं, उप मुख्यमंत्री क्या एकनाथ शिंदे साहब बन रहे हैं? देखो हर कोई चाहता है, और जो प्रोसीजर है, लास्ट टाइम सीएम साहब एकनाथ शिंदे साहब थे तो गृह खाता डिप्टी सीएम के पास था, अगर डिप्टी सीएम पद अगर हमारे पास आता है तो शायद होम मिनिस्ट्री हमारे पास आना चाहिए, ये लाजमी बात है, कोई गलत बात नहीं, और इसका सबका फैसला भी शिंदे साहब को करना है। मुझे लगता है ये सब बातें जो ऑफ द रिकॉर्ड हुई है, रिकॉर्ड पे जो आने वाली बातें इनकी चर्चा बैठक होने के बाद ही होगी और उसकी घोषणा ये तीनों नेता मिलके ही करेंगे, ऐसे मुझे उम्मीद है। आप भी मंत्री पद के रेस में हैं, बताया जा रहा है कि आप डिप्टी सीएम भी बन सकते हैं। देखो मैं क्या बनना चाहता हूँ, क्या बनने की मेरी ख्वाहिश है, इसका कोई मतलब नहीं रहता जब तक शिंदे साहब उनके दिल में अपना अगर नाम नहीं है या तो उनकी यादी में अपना नाम नहीं है, जब तक सिर्फ उम्मीद की जा सकती, जिस दिन नाम आएगा उस दिन पता चलेगा कि हाँ मैं बन रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया संजय सेठ से जो बता रहे थे कि आज एकनाथ शिंदे साहब मुंबई लौट रहे हैं और बहुत मुमकिन है कि तीनों बड़े नेता महायुति के जो हैं अजीत पवार, देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे आज मीटिंग कर सकते हैं और मंत्रियों के नाम का फैसला भी आज हो सकता है। कैमरा मैन अरुण देवरुखकर के साथ राजेश कुमार, इंडिया टीवी, मुंबई।